सड़क हादसे में बांका के मऊहा गांव के सेना के जवान की सिलीगुड़ी में मौत हो गई। 28 वर्षीय सोनू कुमार बांका जिले के बाराहाट प्रखंड के मऊहा गांव का मूल निवासी था। वहीं पिता सहित पूरा परिवार भागलपुर के अलीगंज स्थित सैलबाग कॉलोनी में रहते हैं। वे अभी असम में पदस्थापित थे। मृतक फौजी बिहार के बांका जिला के बाराहाट थाना क्षेत्र के मऊहा गांव के त्रिभुवन यादव का पुत्र 28 वर्षीय सोनू कुमार है। सड़क दुर्घटना में फौजी गाड़ी से गिरकर घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। वो सिलीगुड़ी के वेनागुड़ी यूनिट में पदस्थापित थे। रविवार देर रात अपनी यूनिट से फौजी गाड़ी से अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे। इसी दौरान गाड़ी से गिरकर फौजी युवक सोनू कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। शहादत की खबर मिलते ही उनके पैतृक गांव मऊहा में मातम पसर गया। परिजनों ने बताया कि रविवार की देर रात्रि उनके साथियों के साथ सोनू ड्यूटी पर जा रहे थे। सड़क दुर्घटना में सोनू कुमार की मौत हो गई। सोनू के पिता रिटायर्ड सैनिक हैं एवं उनकी मां बबीता देवी गांव के मध्य विद्यालय मऊहा में शिक्षिका हैं। सभी परिजन भागलपुर में रहते थे। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ मृतक फौजी के घर पर जुटने लगी। शहीद सोनू की पत्नी कविता देवी बिहार पुलिस में सुपौल जिले में कार्यरत है। सोनू की शादी 2018 में भागलपुर जीरो माइल में हुई थी। उन्हें 2.5 वर्षीय एक पुत्र विभांशु कुमार है। सोनू के मित्रों ने बताया कि वो काफी मिलनसार स्वभाव के थे। कभी कभी छुट्टियों में घर आने पर सभी से मिलते जुलते थे। होनहार लाल के शहीद होने पर मऊहा गांव में मातमी माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही मृतक फौजी के पैतृक गांव मऊहा अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों का आने का सिलसिला सोमवार को दिन भर जारी रहा। सोनू के शहादत की खबर मिलते ही उनके घर मातम पसर गया। वहीं परिजन और सोनू के दोस्त घर पर पहुंचकर परिवार वालों को दुख की घड़ी में ढांढस बंधा रहे हैं। सोनू के पिता रिटायर्ड सैनिक त्रिभुवन यादव एवं उनकी शिक्षिका मां बबीता देवी सहित एक भाई और दो बहन भागलपुर में रहते हैं, जबकि सोनू इन सबसे बड़ा था। वहीं सोनू की पत्नी, एक बच्चा और पिता घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। वहीं मां और बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। दोस्तों का कहना है कि सरकार आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। ये थे जब उनकी नौकरी लग गई तो हम लोग से थोड़ा सा मतलब दूरी हो गया। जब भी आते थे तो फिर वैसा ही रहता था जैसा हम लोग के माहौल थे, बचपन से खेलना कूदना ये वो सारा चीज होता था। आज विश्वास करने लायक ये घटना नहीं है कि हम इसको विश्वास कर सकते हैं कि आज मेरा दोस्त सोनू नहीं रहा मेरे बीच। क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं कि मतलब ऐसे जैसे मेरा दोस्त गया उस तरह और कोई ना जाए, इसके लिए कुछ ज़रूर वैकल्पिक व्यवस्था उनको करना चाहिए कि ऐसे इस तरह के हमले में शहीद होने से थोड़ा सा आहत तो ज़रूर होता है कि उग्रवादी आखिर ये उग्रवादी क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, इसके लिए तो कुछ ना कुछ तो सरकार को ठोस कदम उठाना ही चाहिए कि ताकि कि इस बार इस तरह की घटना औरों के साथ ना हो। जैसे आज हम लोग शोकाकुल परिवार क्या बताएं कि मतलब घर का एक बड़ा बेटा था। क्या नाम है? मेरा नाम कुंदन।